जी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप के आप ठीक हैं और एंजॉय कर रहे हैं अमेज़न लर्निंग को। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी कि हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किस तरह से करना है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ लोगों ने हमें ये भी पूछा कि अगर हम कम पैसों के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं शुरू में, अभी ज़्यादा पैसा अगर नहीं लगा सकते तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। क्या हमें जैसे बताया था कि अगर आप यूके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको कोई $15,000 USD यानी आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आप USA के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको कोई लगभग 25,000 to 30,000 USD रिक्वायर्ड होती है इन्वेस्टमेंट, विच इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग जो अमेजोन को सीख रहे हैं दे आर अनएबल टू प्रैक्टिस थिंग्स के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो डॉलर के अभी रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से देखें तो पहले से भी ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ें होती जा रही हैं। तो आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रैटेजी को भी अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के जो डिफरेंट कुछ फॉर्मेट्स हैं उनको भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट कर दूं इससे पहले कि इस पे हम बात करें। मैं थोड़ा सा कनेक्ट ये कर दूं कि जब हम अमेज़ॉन पर एक पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब जर्नी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा जी कि हमने बेसिक आइडियाज को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने कुछ बात की कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट है वो कैसे हंट की जा सकती है, इसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में भी लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सीखा था, इसके बारे में हमने बात की थी। और फिर प्रोडक्ट को हमने अवेल्युएट किया कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसको हमें लॉन्च करना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट है जिसको नहीं लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वक्ती तौर पे हमें लग रहा होता है कि प्रोडक्ट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें वो फायदे की बजाय उसका नुकसान हो जाता है, तो इसमें एवेल्युएशन भी हमने देखी। तो आज हम ओवरऑल इन चीज़ों को ज़रा और क्लैरिटी के साथ देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रोडक्ट की लॉन्च के तीन डिफरेंट मेथड हैं। एक तो कन्वेंशनल लॉन्च है जिसमें हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, और इसके अलावा तीन मॉडल्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा। तो पहला मॉडल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है BBL लॉन्च। BBL क्या है जी? ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। अब ये ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च क्या है? कन्वेंशनल ये थोड़ा मुख्तलिफ है। जब हम कन्वेंशनल लॉन्च की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कन्वेंशनल लॉन्च के अंदर आपके पास बिग इन्वेस्टमेंट होती है, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें दो चीजों को देखते हैं कि कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ये चीजें डिफरेंट हैं। लेकिन जब हम ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे लिए चीजें कंपैरेटिवली You finish it. It's a lot less than got it. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी काइंडली सब लोग अपने माइक्स म्यूट रखें ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले देखिए कि BBL लॉन्च क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करना चाह रहे और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन के ऊपर एक पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लूं ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकता हूं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं जिसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। जब हम ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च करते हैं तो हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। इसमें हमने क्या करना है, फॉर ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च इन एनी मार्केट प्लेस, बेशक वो यूके के अंदर आप कर रहे हैं, आप यूएई के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, आप यूएसए के अंदर लॉन्च कर रहे हैं,
it can be initially launched with a minimum budget of $3,000 to $4,000. $3,000 to $4,000 में आप ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च कर सकते हैं. और कन्वेंशनल लॉन्च की जब हमने बात की तो हमने कहा जी कि अगर आप कन्वेंशनल लॉन्च करना चाहते हैं तो यूएसए के लिए $30,000 का बजट अगर आपके पास है तो फिर आप कन्वेंशनल लॉन्च करें. नो डाउट अगर आपके पास पैसे हों भी या आपके पास इन्वेस्टर हों भी तो पहली दफा जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि जो बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस बन सकती है. इसलिए जो नए लोग होते हैं अमेज़न जिनके लिए नई चीज है उनके लिए ये भी एक तरीकाकार है कि पहले वो छोटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो लॉन्च करें, जिसको हम ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं. ब्रांड बिल्डिंग में क्या होता है? ब्रांड बिल्डिंग में होता यह है कि आप एक प्रोडक्ट की बजाय 3-4 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, लेकिन वो सारी प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो कैटेगरी में आती है. आपकी जो है जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसी एक कैटेगरी के अंदर है आप जो है वो काम प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. जब आप लोगों के माइक्स ऑन हो जाते हैं तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए चीजों को मैनेज करना, तो काइंडली अपना माइक ऑफ रखें जी. अब जो ब्रांड बिल्डिंग है इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप यूएसए के अंदर, यूके के अंदर छोटे लेवल पे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो $3,000 to $4,000 के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. इसके फायदे क्या है? BBL स्ट्रेटजी का फायदा क्या है? इट जनरेट्स मोर रेवेन्यू विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट बजट एंड कैन टेस्ट आउट 3 or 4 प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ओनली 1 प्रोडक्ट. जब हम कन्वेंशनल लॉन्च की बात करते हैं जो कि अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, खुदा न खास्ता अगर वो प्रोडक्ट फेल हो जाती है तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. और उसके बरक्स अगर आप उसी बजट के साथ बजाय एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के आप 3 or 4 छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं जो कि कम प्राइस की प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें आपको फायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी कोई एक आधी प्रोडक्ट नाकाम भी हो जाती है, फेल भी हो जाती है, तो आपने 3-4 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं. अगर 2 प्रोडक्ट चल गई, 1 प्रोडक्ट फेल हो गई, जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो उसके लॉस को कॉम्पनसेशन मिल जाता है. तो ये एक तरीकाकार है कि इसमें आप अपने आप को किसी हद तक सेफ गार्ड कर सकते हैं. इसमें बजाय इसके कि आप 3 or 4 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसी के ऊपर आप डिपेंड करें, आप ढूंढते हैं कि जो रेलिवेंट 3 or 4 प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर जो एक ही कैटेगरी से हैं उनको अगर आप लॉन्च करते हैं तो इसमें अपने आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी हद तक आप सेफ गार्ड कर सकते हैं. दूसरा इसका फायदा क्या है? दिस वे योर रिस्क विल बी डिवाइडेड एंड यू मे हैव अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आउट मोर प्रोडक्ट्स एट वंस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस. ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च में आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि Amazon आपके लिए एक नई चीज है और जहां पे आप नई जगह पे होते हैं वहां पे लर्निंग डेफिसिट की वजह से लॉस होने के चांसेस होते हैं. मैं पहले भी ये स्टैट शेयर कर चुका हूं कि 40% ब्रांड्स फेल हो जाते हैं. उसकी वजह क्या होती है? लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ब्रांड्स फेल हो जाते हैं. लेकिन अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट है और आपने $15,000, $20,000 or $30,000 लगा के एक ही प्रोडक्ट लॉन्च की है, खुदा न खास्ता वही एक प्रोडक्ट अगर फेल हो जाती है तो फिर आपको मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए. इसलिए जो नए सेलर्स होते हैं वो कन्वेंशनल लॉन्च की बजाय पहले छोटे यानी ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च की तरफ जाते हैं. इस तरह उनकी सक्सेस की रेशो जो है वो बढ़ जाती है. तीसरा फायदा क्या है? इट मेक्स डिसीजन मेकिंग ईजी that which product to continue or discontinue after testing out multiple products, so right amount of investment to be made on right product. जब हम product launch करते हैं तो जैसे मैंने
आपको लास्ट लेक्चर में भी आपसे मैंने शेयर किया था कि आपको स्टूडेंट ने ये कहा था कि इतने ज्यादा पैसे क्यों चाहिए हमें, हमारी इन्वेंटरी पहली इन्वेंटरी तो $5,000 में आ गई और आप हमें कहते हैं जी आपने यूएसए में करना है तो आपको $25,000-30,000 चाहिए और अगर आपने यूके में करना है तो $15,000-20,000 चाहिए। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपकी इन्वेंटरी सिर्फ वो नहीं होती जो आपने अमेजोन FBA में भेजी है, एक इन्वेंटरी आपकी FBA के अंदर पड़ी है, एक इन्वेंटरी आपकी जो है वो शिप के अंदर है, एक इन्वेंटरी आपकी जो है वो सप्लायर उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आप तीन इन्वेंटरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तीन जगह पे आपके पैसे फंसे होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपने प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं की और बगैर सोचे समझे आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है तो वो इतना बड़ा लॉस होता है कि आप दोबारा उस प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को फौरी तौर पर लॉन्च करने की पोजीशन में नहीं होते। अगर आप BBL प्लेटफॉर्म यानी BBL अप्रोच के साथ चलते हैं तो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक फेल भी हो जाएगी, दो चल जाएंगी, दो फेल हो गई, एक अगर चल गई तो आपको पता है कि भी मैंने अगली जो इन्वेंटरी मंगवानी है उसमें मैं उस प्रोडक्ट इन्वेंटरी ऑर्डर करूंगा जो चल रही है और जो जिसका रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये जो ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च है इसमें हम किसी हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड कर लेते हैं और हम जो रिस्क है फेलियर का उसको मिनिमाइज किया जाता है। ये एक अप्रोच है जिसको हम ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च कहते हैं। उसके बाद एक दूसरी अप्रोच जो इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कैलेंडर लॉन्च। अब ये कैलेंडर लॉन्च क्या है? कैलेंडर लॉन्च भी कम पैसों के साथ शुरू हो जाती है, इस पे भी आपके 3,000-4,000 आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इन्वेंटरी कम भी होती है तो आप उसके साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं कैलेंडर लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो कैलेंडर लॉन्च क्या है कि जैसे सीजनल प्रोडक्ट आपने कोई लॉन्च करनी है, जैसे आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन आने वाला है तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डिमांड इस सीजन में बहुत हाई होती है, जैसे क्रिसमस से रिलेटेड क्रिसमस ट्री की डेकोरेशंस हैं, क्रिसमस के और गिफ्ट्स हैं, क्रिसमस ट्रीज हैं इवन, और जो उससे रिलेटेड जो जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लोग क्रिसमस पे खरीदते हैं। और आप अगर ये प्लान कर लेते हैं कि मैं कम इन्वेंटरी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने क्रिसमस डेकोरेशन की इन्वेंटरी जो है वो उसके ऊपर मैंने बिजनेस करना है, वो लॉन्च करनी है, आपको बताया कि ये चीजें कितनी देर तक चलेंगी, ये तो नवंबर के शुरू में लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, दिसंबर के 3rd week में इसकी सेल क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदनी है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा माइक्स ऑफ रखें, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। तो कैलेंडर लॉन्च मैं आपको बता रहा था कि कैलेंडर लॉन्च ऐसी लॉन्च है जो एक खास सीजन के लिए छोटे पैमाने पर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट मेरी एक खास सीजन में बिकनी है, जैसे मैंने क्रिसमस ट्री की डेकोरेशंस मैंने सेल करनी है, मुझे पता है कि नवंबर में शुरू होनी है और दिसंबर 20 से पहले पहले ये चीज बिक जानी है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ 400-500 आइटम्स परचेज करता हूँ और मैं अक्टूबर के एंड तक या मिड अक्टूबर तक मेरी इन्वेंटरी वहाँ पहुँच जाती है और मैं अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के शुरू में प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ। और जैसे मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ मुझे पता है कि दिस इज द राइट टाइम, अब लोगों की डिमांड बढ़ रही है। वहाँ पे अगर आप किसी भी जगह पे हैं डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं कि जो टॉप लिस्ट पे होते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स बिक जाती हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं
जो दूसरे नए सेलर्स जिनकी इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं होती उनको भी मौका मिल जाता है। यानी कैलेंडर लॉन्च में जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जो भी लॉन्च करता है उसकी प्रोडक्ट बिक जाती है उसके, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये भी एक तरीकाकार है कि अगर आपने पहली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आप कन्वेंशनल लॉन्च नहीं करते बल्कि आप कैलेंडर लॉन्च करते हैं, यानी आप एक सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और जो कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा, मतलब 0 to 100 आपका सारा एक्सपीरियंस जो है वो हो जाएगा। इसमें क्या है जी, मेक श्योर योर इन्वेंट्री इज प्लान्ड वेल बिफोर सीजन स्टार्ट। इसमें सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो होता है टाइम, कि आप अगर आपकी इन्वेंट्री लेट हो गई तो फिर आपको लॉस होगा। जैसे अभी हम क्रिसमस सीजन की बात करते हैं तो क्रिसमस सीजन के लिए अगर कोई अब प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो वो अब नहीं लॉन्च कर सकता। आप सोचेंगे जी क्रिसमस तो अभी जो है वो 2-2.5 महीने दूर है, अक्टूबर है, नवंबर है, फिर दिसंबर है और 2.5 महीने अभी पड़े क्रिसमस में, तो आप क्यों प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर जिन लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उनकी प्रोडक्ट्स FBA में पहुंच चुकी और उन्होंने आज से 3 महीने पहले उसकी प्लानिंग की थी, सोर्सिंग की थी, प्रोडक्शन करवाई, अब तो उनकी फिनिश प्रोडक्ट्स पहुंच गई हैं। अब अगर आप कैलेंडर लॉन्च करना चाहते हैं तो नेक्स्ट आपको बताया कि नेक्स्ट कौन सा सीजन है, वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन से रिलेटेड गिफ्ट के ऊपर काम करना चाहें तो वो भी मतलब लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस पर अगर आप कोई लॉन्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट तो वो अभी लॉन्च की जा सकती है, उसके लिए अभी टाइम है, वो भी टाइम कम है लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। आपने ये देखना है कि आपकी इन टाइम आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जानी चाहिए। लेट होने की सूरत में आपको पता कि जब क्रिसमस गुजर गया तो फिर आपकी प्रोडक्ट की क्रिसमस डेकोरेशन किसने मांगनी, किसी ने नहीं मांगनी, फिर आप 10 महीने इंतजार करेंगे और उसका लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि अमेजोन के पास आप वो प्रोडक्ट्स रख नहीं सकते। Amazon पे अगर वो प्रोडक्ट्स रखेंगे तो आपको उसका जो चार्जेस पड़ेंगे, जो उसका आपको पे करना पड़ेगा वो इतना ज्यादा है कि आपको जो आपने कमाया होगा वो भी आप वहां पे उड़ा बैठेंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL जिसको कहते हैं, एक वेयर हाउस और बुक करवाते हैं, फिर आप वहां पे प्रोडक्ट शिफ्ट करेंगे, 10 महीनों तक उसको वहां पे रखेंगे, अगले अक्टूबर में फिर आप इधर लॉन्च करेंगे। तो इसमें एक तो आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा आपको स्टोरेज पे करनी पड़ेगी तो इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक ही सबसे बड़ा चैलेंज है कैलेंडर लॉन्च में कि आपकी इन्वेंटरी प्लान्ड होनी चाहिए और सीजन के स्टार्ट होने से पहले आपकी इन्वेंटरी अमेजोन FBA में पहुंची हो। सर्च वॉल्यूम शुड रिमेन एटलीस्ट 50K फॉर अ मंथ फॉर योर चोजन मेन कीवर्ड। आपने जिस कीवर्ड्स के ऊपर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आप इस चीज को इंश्योर करें कि आप उसकी हिस्ट्री देखें कि कम से कम उसकी सर्च जो है वो 50,000 सर्चेज पर मंथ हो रही हो। बाद का कुछ ऐसी डेकोरेशन या ऐसी सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बिकेंगी, लेकिन कोई भी असम्पशंस के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। हमने उस चीज को बेचना है जो इस सीजन में जिसकी डिमांड है। तो सर्च वॉल्यूम आपने देखना है कि अगर 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो तब एक महीने में अगर 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 2 महीने का टोटल सीजन है, तो तब जाकर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बिक जाएगी। बगैर सोचे समझे नहीं कि आपने कर देना कि मैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर दूं। अगर लोग उसको सर्च नहीं कर रहे, आपके लिए वो हो सकता है बहुत अच्छे डेकोरेशन हो, लेकिन अगर लोग डेकोरेशन नहीं ले रहे या आप लाइट्स की बात करते हैं, क्रिसमस ट्री की लाइट्स हैं और लोग वो लाइट्स नहीं ले रहे, तो आपके लिए वो चीज मुश्किल हो जाएगी। आपने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, आपने चीज वही करवानी है जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है। इसलिए हमने लॉन्च करने से पहले सर्च वॉल्यूम चेक करना है कि अमेजोन पे कितने लोग इस खास सीजन में इसको सर्च करते हैं। इफ एयर शिपिंग प्लान 4 months बिफोर सीजन स्टार्ट, आपने अगर एयर शिप करना है, बाय एयर अगर आपने चीजें भेजनी है, क्योंकि डेफिनेटली बाय एयर चीजें जब आप भेजते हैं तो उसका एक्सपेंस ज्यादा आ जाता है। आप अगर
पाकिस्तान से बाय एयर चीजें भेजेंगे तो पाकिस्तान से अभी अगर हम चाइना की नस्बत देखें तो शिपिंग के चार्जेस कम है। अगर चाइना से आप बात करते हैं तो चाइना से आप तकरीबन आप समझ लें कि एक जो पैकेज है उसका कोई ऑलमोस्ट अगर हम कुछ $14 से $15 की बात करें तो एक पैकेज का हमें शिपिंग पड़ती है। लेकिन अगर हम बाय शिप करते हैं, बाय सी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको तकरीबन 50% कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अब आपने ये देखना है कि आप चाहते हैं कि आपकी अक्टूबर में इन्वेंटरी FBA के अंदर पड़ी हो, तो अक्टूबर से 4 महीने माइनस करें, इसका मतलब आपको आपको यहाँ से आपकी जो शिपमेंट है वो जून जुलाई के अंदर आपकी शिपमेंट यहाँ से जाएगी, तो फिर आपकी इन टाइम पहुँचेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बड़ी ज़्यादा स्टेजेस होती हैं, आपने प्रेप करनी होती है, उसके लेबलिंग होनी होती है, पैकेजिंग होनी होती है, बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, तो अगर टाइम कम हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये आपके पास टाइम होता है कि कम से कम 4 महीने पहले आप काम स्टार्ट करेंगे तो फिर जाके आप इन टाइम अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकेंगे। इफ सी शिप देन स्टार्ट्स 6 मंथ अहेड ऑफ टाइम, अगर आपने समंदर के जरिए भेजनी है तो 6 महीने पहले आप उस पर काम शुरू करेंगे तो फिर जाकर आपकी प्रोडक्ट इन टाइम पहुंचेगी। ये है हमारी कैलेंडर लॉन्च। उसके बाद है तीसरी एक स्ट्रेटजी है, वो है रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च भी क्या होता है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करते हैं कि आप बजाय इसके कि पाकिस्तान से या चाइना से आप चीजें USA या UK के अंदर भेजें, आप क्या करते हैं टेस्ट करने के लिए, आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं USA में तो आप क्या करते हैं जी, आप चीजें परचेज भी USA से करते हैं, कम क्वांटिटी में परचेज करते हैं और उसी प्रोडक्ट को USA से परचेज किया और USA में उसको लॉन्च कर दिया, या UK से किसी वेंडर से होलसेल से परचेज किया और आपने Amazon के ऊपर उसको बेचना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, आपको आप कहेंगे जी वहां तो चीजें महंगी मिलेंगी, ऑब्वियसली महंगी मिलेंगी, लेकिन आपका खर्चा भी तो कम होगा। अगर आपने चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो चाइना से USA पहुंचने तक उसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट है वो $5 का चाइना से मिल रहा है और $10 का USA से मिल रहा है, अब आप कहेंगे कि यार ये तो प्राइस डबल है, लेकिन जब आप फ्रेट की बात करते हैं, आपने सैंपल्स बनवाने हैं, आपने इंस्पेक्शंस करनी है, बाकी चीजें आपने करनी है, तो ये तकरीबन इतनी प्राइस ही आपको पड़ जाएगी। आप एक चीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी बिकेगी कि नहीं बिकेगी, तो आप क्या करते हैं कि लोकल मार्केट से कम मिकदार में आप चीजें खरीदते हैं, आप उसको लिस्टिंग करते हैं, आप Amazon पे उसको बेचना शुरू कर देते हैं, उसका रिस्पांस आप देखते हैं कि चीज आपकी अच्छी बिक रही है, आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, फिर आप उसकी जो है वो प्रोडक्शन करवा लेते हैं, फिर चाइना से या पाकिस्तान से आप जो है वो प्रोडक्शन करा के काम शुरू कर लेते हैं। तो ये एक मार्केट टेस्ट करने का ये भी एक तरीकाकार है। रैपिड लॉन्च में क्या होता है जी, गेट इन्वेंट्री फ्रॉम विद इन सेम मार्केट वेयर यू वॉन्ट टू लॉन्च आर फ्रॉम चाइना रेडी टू शिप आइटम। चाइना के अंदर भी रेडी टू शिप आइटम्स होती हैं, एक तो होती है कि आपने प्रोडक्शन करवानी है, आप सैंपल देते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं, चाइना चूंकि बहुत ज्यादा इस पे काम कर रहा है, चाइना को आप प्रोडक्ट देते हैं तो वो कहता है जी मेरे पास ये 1000 पीस पड़ा हुआ है, आप कहते हैं जी बिल्कुल तैयार है, उसने कहा जी ये मेरे पास बिल्कुल तैयार है, रेडी टू शिप वहां पे चीजें मिल जाती है, आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप जो है वो वहां से अगर मंगवाना चाहते हैं सैंपल, अब चाइना से पाकिस्तान सैंपल मंगवाने हैं वो तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, फिर आपने वहां से इंस्पेक्शन टीम को हायर की और उनको कहा जी कि आप चाइना के पास जाएं, इस वेंडर के पास जाएं, जरा चेक करें, इंस्पेक्शन करें कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो सैंपल के मुताबिक हैं, और अगर सैंपल के मुताबिक हैं तो मुझे गो अहेड दें। वो क्या करेंगे कि वो चेक करके आपको बता देंगे कि ये सैंपल के मुताबिक हैं, तो फिर आप चाइना से
आप कम वक्त में वहां पर डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त आपका लगता है प्रोडक्शन के अंदर। अगर रेडीमेड चीजें आपको मिल जाए तो आप चाइना से भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि रैपिड लॉन्च के अंदर आप उसी मार्केट से परचेज करेंगे, जैसे यूएसए में है तो यूएसए से परचेज करेंगे, यूके में है तो यूके से परचेज करेंगे। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे जिसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवानी, जिसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी चाइना से आपको रेडीमेड मिल जाएगी, तो ये भी एक तरीका काम होता है। मेक श्योर व्हेन यू शिफ्ट रैपिड लॉन्च टू कन्वेंशनल लॉन्च योर मार्जिन आर मोर देन 25%। आपको इस चीज को देखना है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। हमने टेस्ट किया कि क्या ये चीज बिकती है या नहीं बिकती। जब हमने देख लिया कि हाँ यार ये चीज बिक रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर कन्वेंशनल तरीके से उसको लॉन्च करते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट के साथ उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन आपने देखना है कि लॉन्च आप तब ही करेंगे जब आपके पास कम अज कम 25% मार्जिन हो, प्रॉफिट मार्जिन आपको इतना हो। लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन इससे कम हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आपने खुद प्रोडक्शन करवानी है, रेडीमेड चीज आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन जब आपने प्रोडक्शन अपने मुताबिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करवानी है, कुछ वैल्यू एडिशन करानी है, तो फिर आपको आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है समटाइम कम हो जाता है। तो 25% से कम मार्जिन के ऊपर आपने नहीं काम करना, क्योंकि कन्वेंशनल लॉन्च में आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब जब हम लॉन्च की बात करते हैं, ये तो मैंने तीन आपको तरीके बता दिए कि आपने कन्वेंशनल तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट को टेस्ट कर लें, तो तीन तरीके मैंने बताए कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। आप रैपिड लॉन्च कर सकते हैं, आप ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, आप कैलेंडर लॉन्च कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप पहली दफा करेंगे तो बेशुमार गलतियां होंगी। अगर छोटे स्केल पे गलतियां करेंगे तो आगे आप अपने स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टमेंट में गलती होगी तो फिर शायद आपके पास मुश्किल हो जाएगा। आपको ये जो पिक्चर नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, क्योंकि जब हम लॉन्च की बात करते हैं तो हमारा मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हम अमेजोन के फर्स्ट पेज पर रैंक करें। जब लोग सर्च करें तो हम अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आए। लेकिन जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम तो शायद 15th पेज पे होते हैं, तो फर्स्ट पेज पे कैसे आएंगे, कितना हमें टाइम लग जाएगा। फर्स्ट पेज पर आने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, सर्कल को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट पेज पर आने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, या जिसको सेल्स वेलोसिटी कहते हैं। और सेल्स कब होती है, जब आपके पास रिव्यूज होते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात है कि रिव्यूज कब होंगे, जब सेल्स होगी। तो इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि स्टार्ट कहां से किया जाए। आपकी जब प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी सेल्स कोई नहीं, जब सेल्स नहीं है तो रिव्यू कोई नहीं। अब आपने करना क्या होता है, जब रिव्यूज नहीं होते तो पीपीसी भी रन नहीं कर सकते। आप पीपीसी भी तब रन कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 4 से 5 रिव्यूज हों। तो ये जो साइकिल है, ये बड़ा अजीब सा साइकिल है। आपको समझ नहीं आती कि यार स्टार्ट कहां से करें। प्रोडक्ट लॉन्च की, आपके पास रिव्यूज नहीं है, आप क्या करें, पीपीसी लॉन्च करें। पीपीसी के लिए भी रिव्यूज चाहिए, 4-5 रिव्यूज होंगे फिर आप पीपीसी लॉन्च कर सकेंगे। 0 रिव्यू के साथ पीपीसी भी नहीं होती। तो अब हमने इस पूरी चीज को, पूरे सफर को देखना है कि जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो हमने किस तरह से अपने उस गोल को अचीव करना है, जो कि हमारा गोल है कि हम फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेज पर रैंक किए बगैर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप फर्स्ट पेज पर रैंक करेंगे तो फिर ही प्रॉफिट कमाएंगे। तो हम इसके लिए स्ट्रेटजी देखेंगे कि अगर हमने स्ट्रेटजी बनानी है लॉन्च की, प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रेटजी बनानी है, तो हम किस तरह से प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रेटजी बनाएंगे। एक मिनट जी, मैं जरा चार्जर कनेक्ट कर लूं, मेरा लैपटॉप जरा।
जी, तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट की लॉन्च की स्ट्रेटजी जो है वो हम कन्वेंशनल लॉन्च में क्या करेंगे। थ्री स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल अमेज़न प्रोडक्ट लॉन्च प्लान। अब हम पूरा लॉन्च प्लान को डिस्कस करेंगे कि हमारा लॉन्च प्लान किस तरह से होगा। प्रोडक्ट लॉन्च प्लान, प्लान की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। प्री लॉन्च स्ट्रेटजी, लॉन्च स्ट्रेटजी एंड पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटजी। थोड़ा सा इसका मैंने जिक्र लास्ट क्लासेस में भी किया, लेकिन आज बड़ी डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, तो तीन स्टेजेस हैं इसकी। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गई तो फिर आपकी स्ट्रेटजी किन चीजों का आपने ख्याल करना है, और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद। ये कोई आसान काम नहीं है कि एक दफा प्रोडक्ट आपकी लॉन्च हो गई तो आप चुप करके सो जाएंगे, अब अमेज़न खुद ही बेचेगा और हमें जो है वो सेल्स आएंगी, ऐसा नहीं होता। हमें डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, फिर जाकर हम सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि प्री लॉन्च स्ट्रेटजी क्या है। अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है, लर्न हाउ द अमेज़न A9 एल्गोरिदम वर्क्स। अब ये A9 एल्गोरिदम क्या है? A9 एल्गोरिदम अमेज़न का एल्गोरिदम है जिसके जरिए वो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट को मैंने पहले पेज पर रैंक करना है। पहले हम इस एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करें, फिर हमने क्या करना है, एश्योर प्रोडक्ट रिसर्च, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर सके हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च अगर एक्सटेंसिव होगी तो आपकी लॉन्च कामयाब है। अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की अच्छी तरह से तो बाकी जितनी मर्जी लॉन्च आप कामयाब तरीके से कर लें वो नहीं हो सकती सक्सेसफुल, क्योंकि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अगर अच्छी होगी, प्रोडक्ट हंट आपने प्रॉपर तरीके से की होगी, तो फिर ही लॉन्च का फायदा है, फिर ही सक्सेसफुल होगी। ये बेसिक गलती है कि अगर आपने रिसर्च सही नहीं की तो आप डेफिनेटली जो मर्जी कर लें अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। फिर आपने क्या करना है, बिल्ड योर ब्रांड। ब्रांड बिल्डिंग आपने करनी है, बेशक कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, ब्रांड अपना आप एक जो है वो ब्रांडिंग करेंगे अपनी कंपनी की, अपने ब्रांड की, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड डिटरमिन द कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को आपने बढ़िया माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं। लर्न हाउ A9 एल्गोरिदम वर्क्स। Amazon का जो रैंकिंग एल्गोरिदम है इसको हम A9 एल्गोरिदम कहते हैं। A9 एल्गोरिदम क्या है? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए हमें पता चलता है कि अगर आप Amazon के फर्स्ट पेज पर आना चाहते हैं तो Amazon कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। अगर आपको उस फॉर्मूला की समझ आ गई तो आप उसको इस्तेमाल करके फर्स्ट पेज पर आ सकते हैं। Amazon के लिए सबसे जो बड़ा फैक्टर है कि जिस बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से पेज पे आना चाहिए, वो है सेल्स वेलोसिटी। ये जो आप देख रहे हैं सेल्स वेलोसिटी, सेल्स वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट तो आपने लॉन्च की है और हैं आप 15th पेज पे, आपकी सेल्स तो हो नहीं सकती, फिर क्या, किस तरह से आप जो है वो उस चीज को मैनेज करेंगे। एक तो ये है कि Amazon आपको एक टाइम पीरियड देता है, 30 से 35 दिन का टाइम होता है कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट को गाहे बगाहे वो फर्स्ट पेज पर शो करता है। ऑल्दो कि आप रैंक नहीं कर रहे होते, लेकिन गाहे बगाहे वो फर्स्ट पेज पर शो करता है जस्ट टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, कि लोग किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। ये जो 30 से 35 दिन का टाइम है, वैसे तो 3 months कहते हैं लेकिन एक्चुअल टाइम जो है वो 30 से 35 दिन का टाइम ही होता है कि जिसमें आपको ये फायदा होता है कि आप रैंक नहीं भी कर रहे तो Amazon आपको फर्स्ट पेज पे दिखाता है और चेक करता है कि रिस्पॉन्स क्या है। अगर आपको जब वो दिखाता है लोग देखते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी प्राइस भी मुनासिब है, तो क्या है लोग उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं, और अगर परचेज करेंगे तो सेल्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सेल्स वेलोसिटी बढ़ेगी
तो प्रोडक्ट की रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी और सेल्स होती जाएगी तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली लोग परचेज कर रहे हैं, रिव्यूज भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्प्रूव हो जाएगा स्केल और आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये तो है नेचुरल तरीका। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जो लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने या बाकी भी लोगों ने कुछ जुगाड़ निकाले हुए हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत जल्द पहले फेज पे ले आते हैं, जिसको हम कहते हैं गिव अवेज करना। अब गिव अवेज करना क्या होता है कि आप टीम को हायर करते हैं और उनको ये कहते हैं कि जनाब आप अमेजोन के बायर ढूंढें और उनसे ये कहें कि अगर आप हमारी ये चीज़ खरीदेंगे जो जिसकी कीमत $20 है, अगर आप ये परचेज कर लेंगे इस खास टाइम पे तो हम आपको 100% पेमेंट जो है वो रिफंड कर देंगे, आपने सिर्फ उसका एक अच्छा सा हमें रिव्यू देना है। अब ये तरीका इलीगल तरीका है जिसको प्रॉक्सी मार्केटिंग कहा जाता है, लेकिन ये भी एक तरीका है क्योंकि अमेजोन के एल्गोरिदम को किसी तरीके से चीट किया जा सकता है। अब होगा क्या कि एक बंदा है जिसको आपने बताया जी फलां कीवर्ड्स के जरिए हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचे, उसने बड़े नेचुरल अंदाज में आपकी प्रोडक्ट तक गया, कुछ वक्त गुजारा और फिर जो है वो उसने प्रोडक्ट परचेज की और प्रोडक्ट जैसे उसने परचेज की अमेजोन ने नोट किया कि यार ये प्रोडक्ट परचेज हो गई है। अब प्रोडक्ट परचेज होगी तो उसने उसका रैंक बढ़ाना शुरू किया, आपने 2, 4, 5, 10 बंदों को इसी तरह से कहा, उसको उनको पैसे भी बाद में वापस कर दिए, अल्टीमेटली क्या हुआ, ये गिव अवेज हैं, ये इसका लॉस कौन बर्दाश्त कर रहा है, आप ही तो लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने जो प्रॉक्सी मार्केटिंग करवा रहे हैं तो उनको भी $4-5 आपने रिव्यू के पीछे देने हैं, $15-20 की अगर प्रोडक्ट है तो वो भी आपका पैसा लग रहा है, ये भी तरीकाकार है। लेकिन अब अमेजोन जरा सयाना हो गया है, अमेजोन इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और वो पेनलाइज करता है, इसलिए ये काम आपने शुरू में नहीं करना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीकाकार होता है जो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी हद तक ये कामयाब भी था लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, अमेजोन आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है अगर आप वो डिटेक्ट कर ले कि आपने ये इलीगल तरीका इस्तेमाल किया रैंकिंग। अब सेल्स वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, CTR पे, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि कितने लोगों ने मेरी लिस्टिंग को देखा और उस पर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने देखा और एक बंदे ने क्लिक किया तो क्या है, मेरा क्लिक थ्रू रेट है 1%। और अगर 100 बंदे ने देखा और 10 लोगों ने क्लिक किया तो मेरा क्लिक थ्रू रेट है 10%। तो जितना क्लिक थ्रू रेट होगा उतनी उसकी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और ये क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ता है कि जो मेन इमेज लगाया वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रिव्यूज अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली रिव्यू अच्छे हैं तो लोग क्लिक भी करना शुरू करते हैं, टाइटल आपने बहुत अच्छा लिखा है तो फिर भी लोग क्लिक करते हैं, प्राइस अगर कम है तो फिर भी लोग क्लिक करते हैं। तो इस पे भी आपने देखना है कि जब आप शुरू में लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट की आप प्राइस कम रखते हैं, टाइटल बड़े ऑप्टिमाइज लिखते हैं, रिव्यूज भी आप हासिल करते हैं, इमेजेस भी बड़े क्वालिटी के आप लगाते हैं और खासतौर पर जो फर्स्ट इमेज है वो बहुत क्वालिटी का अगर आपने लगाया है तो क्लिक थ्रू लोग अट्रैक्ट होंगे और उस पर क्लिक करेंगे। दूसरी जो चीज है वो है CVR यानी कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि जितने लोगों ने क्लिक किया उनमें से कितने लोगों ने बाय किया, यानी अगर 10 लोगों ने क्लिक किया और उनमें से एक बंदे ने बाय किया तो इसका मतलब है कि आपके जो कन्वर्जन है वो 10% है। और अगर 50 लोगों में से एक बंदे ने बाय किया तो ऑब्वियसली कन्वर्जन रेट कम है, तो जितना कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा आपकी सेल्स वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी और आपकी जो रैंकिंग है वो ऊपर आ जाएगी। तो कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए क्या है, कॉपी राइटिंग का मतलब है कि जो आपने लिस्टिंग में डिटेल लिखनी है, जो टाइटल लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, जो बुलेट पॉइंट लिखने हैं वो कितने अच्छे आपने लिखे हैं, ये स्पेशल कंटेंट राइटर का काम होता है। या आप जो है अगर आप कॉपी राइटिंग सीख लेते हैं तो इसमें आप ये एज अ VA भी ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं
और इससे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं खाली सिर्फ लिस्टिंग लिख के, लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करके। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप खुद रिस्क ना लें, आप किसी को कुछ पैसे दें, कोई मतलब पाकिस्तानी कोई 8-10 हज़ार रुपए में आप लिस्टिंग करवा सकते हैं। लोग फाइवर के ऊपर आपको जो है वो वहां पे मिल जाएंगे 5,000, 6,000 या 10,000 रुपए में, आपकी वो लिस्टिंग अच्छी प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर देंगे। और फिर जो रिमेनिंग इमेज है, क्योंकि आपको अमेजोन आपको कहता है जी कि आप 9 इमेजेस तक दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के। अब हर इमेज डिफरेंट होगा, कोई मेन इमेज को बयान कर रहा है, कहीं पे वो लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं, कहीं पे फीचर्स बयान कर रहे हैं। इन इमेजेस के ऊपर भी हम अगले लेक्चर्स में कुछ बात करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का ख्याल रखें कि आपने कॉपी राइटिंग यानी जिसको कॉन्टेंट राइटिंग करते हैं वो बहुत अच्छी लिखी है, इमेजेस आपके बहुत अच्छे हैं, प्राइस आपकी मुनासिब है, तो कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन जो मैंने पहले बात की है, हियर इज द प्रॉब्लम, फॉर अ प्रोडक्ट टू सेल यू नीड टू रैंक हाई, एंड फॉर रैंक हाई यू नीड टू सेल। ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है। अमेजोन ये कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको हाई रैंक करना चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि हाई रैंक आपने होना है तो आप प्रोडक्ट बेचें। देखने में ये मामला बड़ा सिंपल लगता है कि हम प्रोडक्ट लेके जाएंगे अमेजोन पे बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता। आपको बड़ी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं और फिर जाकर आपकी सेल शुरू होती है। आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और अभी हम जो चीज बात कर रहे हैं उसी में हमने सीखना है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो पहला हमने कहा कि पहले हम एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड कर लें ताकि हमें बताओ कि एल्गोरिदम काम किस तरह से करता है। दूसरी चीज, जिस चीज पे आपने बहुत ज्यादा वक्त लगाना है और जिसको आपने फूल प्रूफ करना है, दैट इज योर प्रोडक्ट रिसर्च। एज योर प्रोडक्ट रिसर्च, डू एन एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में आपने कॉम्पिटिशन देखना है। पहले भी मैंने बताया है कि हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं इनिशियली। आप कोशिश करें कि अपनी नीश को नैरो डाउन करें और ऐसी प्रोडक्ट्स पे करें कि जिनका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा ना हो। ज्यादा कॉम्पिटिशन का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी रैंक करने में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पीपीसी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गिव अवेज करने पड़ेंगे। तो शुरू में हम ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करें, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें कंपटीशन ज्यादा ना हो। जब कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा तो आपके लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि बड़ा हेक्टिक काम है, प्रोडक्ट को आपने स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करना होता है, और इंप्रूव आप उसी चीज को कर सकते हैं जिसमें आपका पैशन होगा, जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं जी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और अगर आप खुद स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इस प्रोडक्ट में खामी क्या है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। आपका इंटरेस्ट होगा और आपको वक्त का पता नहीं चलेगा कि आप किस कितना वक्त लगा रहे हैं, और आप टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जब प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करनी है तो कम से कम उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट होगा, पैशन आपका होगा, तो आप उसको समझने में, उसको चेंज करने में, उसको वैल्यू एडिशन करने में आपको आसानी होगी। तो दूसरी चीज ये हमने करनी है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कि आपने पहले पूरी रिसर्च करनी है, कंपटीशन लो होना चाहिए और पैशन भी आपका होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ब्रांड बिल्ड करना है। आपका एक ब्रांड होना चाहिए। देखें, जब हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट लेबल में हमने अपनी एक पहचान बनानी, हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की एक पहचान हो, हमारे अपना एक लोगो हो, हमारी कलर स्कीम हो, हमारी पैकेजिंग का डिजाइन डिफरेंट हो, लोग हमारी प्रोडक्ट के बारे में उनकी परसेप्शन बड़ी मुख्तलिफ हो, और हमारी एक ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। ये पूरी ब्रांडिंग एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। यानी आपने अपनी प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट नहीं समझना, आपने जिस तरह ब्रांड है उस तरह से आपने करना है कि जिस तरह ब्रांड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, यानी आप शूज की बात करते हो, तो आप कहते हैं जी नाइकी एक ब्रांड है, स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स वियर में नाइकी एक ब्रांड है। तो वो आप उस ब्रांड को देखें कि उसकी कलर स्कीम, उसका लोगो, उसके स्लोगन्स, आप कहीं पे भी किसी चीज को देखते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि हाँ जी ये नाइकी है। आपने भी
प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ ब्रांड, नॉट लाइक अ सिंगल प्रोडक्ट. कि आप सिंगल प्रोडक्ट के लिए मेहनत नहीं कर रहे, आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आपने इसी तरह से सोचना है. और ब्रांड के कलर्स बड़े सोच समझ के, डिजाइन, पैकेजिंग, लोगो, हर चीज के ऊपर आपने काम करना है. और क्रिएट प्रेजेंस आउटसाइड अमेज़न, अमेज़न से बाहर उसकी प्रेजेंस आपने क्रिएट करनी है, तब आपका ब्रांड बिल्ड होगा. डिटरमिन योर सेल्स टारगेट, इसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन करनी है. पहली बात आपने ये देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे अमेज़न को कितनी फीस पे करनी पड़ रही है. अक्सर नए सेलर्स को ये नहीं पता होता कि अमेज़न की कॉस्ट कितनी आ रही है. यानी आपकी प्रोडक्ट बिक रही है $20 की, आपने खरीदी है $5 की, आप ये समझते हैं कि $15 जो है वो मेरा प्रॉफिट है, चलो $15 नहीं $3-4 जो है वो अमेज़न ले लेगा. लेकिन जब आप एक्चुअल में वो देखेंगे तो अमेज़न की फीसें काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं. आपकी पहली प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ आप पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाती है. और फिर कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है. मिस्टेक होगी कि आपने लेबल कराया, वो लेबल सही अगर प्रिंट नहीं हुआ तो अमेज़न ने कहना जी ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, कि लेबलिंग दोबारा होगी. अब लेबलिंग दोबारा करने का मतलब है कि $0.25 वो लेबल के करेगा, एक लेबल लगाने. तो ये कितनी कॉस्ट है इसको आपने प्लान ही नहीं किया. इसलिए आपने पूरी हर चीज को कैलकुलेट करके चलना है कि अमेज़न की फीसें कितनी है और मुझे क्या क्या कॉस्ट आ रही है. मैंने सैंपल मंगवाए वो भी कॉस्ट है, मैंने इंस्पेक्शन करवाई वो भी मेरी कॉस्ट है, मैंने फ्रेट पे चार्जेस पे किए वो भी कॉस्ट है, मैंने कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हायर की वो भी मेरी कॉस्ट है, मैंने जो है वो FBA सर्विस इस्तेमाल करनी है उसकी फीसें जो है वो मुझे देनी है, मैंने रेफरल फी भी पे करनी है. तो ये फीसों के ऊपर भी डिटेल से मैं शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन आपने उसको पूरा कैलकुलेट करना है. एस्टिमेट सेल पोटेंशियल, सेल्स का पोटेंशियल आप एस्टिमेट कर रहे हैं. आप ये देख लें कि जो ऑलरेडी सेलर्स हैं वो कितना बेच रहे हैं. डेफिनेटली जो बेच रहे हैं आप उनसे ज्यादा तो नहीं बेच सकेंगे, उसी में से आपने शेयर लेना है. यानी एक प्रोडक्ट है जो महीने में 500 यूनिट बिक रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप भी महीने में 300 यूनिट आप जाके बेच लें. भाई सारे 500 यूनिट बेच रहे हैं तो आपके कैसे बिक सकते हैं. एक हाँ जो लाखों यूनिट में बिक रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल्स पोटेंशियल इसका ज्यादा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी चीजें भी बिक जाएंगी. सेट अ रियलिस्टिक सेल्स टारगेट, रियलिस्टिक सेल्स टारगेट होना चाहिए जो कि हकीकत में पूरा हो सके. बिल्कुल आपने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ही आपने नहीं सोचना कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया जहान से अच्छी है. ये हमें लगेगी जब हम प्रैक्टिकली लॉन्च करते हैं तो उसमें मसले मसाइल भी हमें फेस करने पड़ते हैं. ये थी जी स्टेज वन, कि जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की. अभी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमने इन चीजों पर काम करना है कि हमने अमेज़न के A9 एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड किया, हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, हमने ब्रांडिंग कर ली और हमने मार्जिन कैलकुलेट कर लिए. अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की. अब हम जा रहे हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने, तो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या होगी. लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या है, लर्न टूल्स टू एक्सेलरेट योर बिजनेस ग्रोथ. लॉन्च करते वक्त अगर आप एक खास वक्त के दौरान फर्स्ट पेज पर नहीं जा सके, आपको शुरू में सेल्स नहीं जनरेट कर सके, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट डंप हो जाएगी, वो प्रोडक्ट नहीं चल सकेगी. इसलिए आपने ऐसे टूल्स अंडरस्टैंड करने हैं, बेशुमार टूल्स हैं. जब आप इस पे काम करेंगे ना आपको पता चलेगा कि टूल्स हैं बेशुमार जिसके जरिए, जैसे आपने PPC करनी है उसका टूल्स है, SEO करनी है, सोशल मीडिया करनी है, और मैनेजमेंट के टूल्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से, आपको अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है तो आपको पता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके मैं ग्रो कर सकता हूँ. क्योंकि लॉन्चिंग जो है वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है. लॉन्चिंग के दौरान अगर आप शुरू में आपको बूस्ट मिल गया तो मिल गया, और अगर आप वेट करेंगे कि दूसरे महीने तीसरे महीने जाके मेरी सेल होगी तो वो फिर सेल नहीं होती. इसलिए आपने उन टूल्स को अंडरस्टैंड करना है. ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है. लिस्टिंग का मतलब है कि जो प्रोडक्ट की लिस्ट आपने बताई है कि ये प्रोडक्ट है, ये फीचर है, टेक्निकली उसको लिस्टिंग कहते हैं, और उसको ऑप्टिमाइज करना है. उसके इमेजेस बड़े अच्छे होने चाहिए, उसकी कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बुलेट पॉइंट बड़े अच्छे होने चाहिए. अभी मैं अमेजोन खोल के आपको वो चीजें दिखाऊंगा अभी.
और Amazon के टर्म ऑफ सर्विसेज TOS जिसको टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं, Amazon की टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छी तरह से अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो Amazon आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा। जब आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चीजों को मैनेज करें। तो आपको लॉन्च करने से पहले गाइडलाइंस को पढ़ना है एंड ड्राइव एक्सटर्नल ट्रैफिक। और आपको सिर्फ Amazon पे नहीं रहने देनी बात, आपने खुद मार्केटिंग करनी है और अपनी प्राइवेट ट्रैफिक आपने वहां पे लेके आनी है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जी। ग्रिप ऑन द टूल्स टू एक्सेलरेट योर बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग के टूल्स, टास्क मैनेजमेंट के टूल्स, एडवर्टाइजिंग के टूल्स और ब्रांड एनालिटिक्स और कोर मेट्रिक्स ऑन टू ट्रैक, कि किन किन चीजों को हमें कैलकुलेट करना है, कि कहाँ से हमें पता चलेगा कि ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, किन चीजों को हमने एनालाइज करना है। ये सारे टूल्स जब आप Amazon में जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। उन टूल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त। ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, क्योंकि Amazon पे जब हम बात करते हैं बाय करने की तो किसी भी बंदे ने जब कोई चीज सर्च करनी है तो वो सर्च टर्म यानी कीवर्ड्स आप कह लें उसको, जैसे किसी ने वाटर बॉटल खरीदनी है तो वो क्या करेगा, वाटर बॉटल। अब वो सर्च टर्म है आपके लिए, वो कीवर्ड्स है, आपको पता होना चाहिए फाइंड द कीवर्ड रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, कि वाटर बॉटल खरीदने के लिए सिर्फ लोग वाटर बॉटल नहीं लिखेंगे, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल भी लिख सकते हैं, ग्लास वाटर बॉटल लिख सकते हैं, प्लास्टिक वाटर बॉटल लिख सकते हैं, और भी इसके कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के तमाम कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, वो Amazon के टूल्स हैं, जिस तरह हीलियम के जरिए आपको अभी मैं बताऊंगा अगले वाले कुछ लेक्चर्स में कि ये चीजें आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आप, जब टूल्स इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं कि मेरी प्रोडक्ट किन किन कीवर्ड्स के जरिए सर्च की जा सकती है, वो 10 15 20 जो टॉप के कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। लुक एट कंपेटिटर प्रोडक्ट्स एंड फाइंड देयर कीवर्ड्स, कंपेटिटर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देखें और वो भी आप स्पाय करें उस पे कि उनकी प्रोडक्ट कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है। ये आसानी के साथ आपको पता चल जाएगा, उन्हीं प्रोडक्ट्स की उन्हीं कीवर्ड्स को आपने भी इस्तेमाल करना है। फिल्टर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट फीचर, आप कुछ नए फीचर्स भी अगर आप एडिशनल फीचर्स हैं तो आपने वो कीवर्ड्स लगाने, क्योंकि जो फीचर्स होंगे वही आप क्लेम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो आप कहें जी कि मेरी जो प्लास्टिक बोतल है ये अनब्रेकेबल है, और अगर वो ब्रेकेबल होगी तो आपने कहा जी कि कंपेटिटर ने लिखा था तो वो मैंने भी लिख दिया, ऐसा कोई फीचर आपने नहीं लिखना जो कि नहीं है, अदरवाइज आपको इतने के रिटर्न आएंगे कि आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी और आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। डू कीवर्ड ट्रैकिंग, कीवर्ड्स की ट्रैकिंग करें, आप कीवर्ड्स जब लगा दिए एक दफा तो काम खत्म नहीं हो जाता, उसको वॉच करना होता है, CTR देखना होता है, CVR देखना होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, और जो जिनका क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होता है, कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, वो फिर हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, और जो रिस्पांस नहीं कर रहे उन कीवर्ड्स को हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है वो ज्यादा ऊपर आए, और वो तभी आती है जब आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है। तो ये आपने करना होता है कि अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। सातवां पॉइंट ये है, Amazon टर्म ऑफ सर्विस, नो Amazon TOS टर्म ऑफ सर्विस, अबाइड बाय द Amazon गाइडलाइन, इसकी Amazon गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना, Amazon बर्दाश्त नहीं करेगा। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है जी, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, जैसे वेबसाइट आप अपनी बनाएं, आप कह रहे हैं जी कि मैं जब Amazon पे बेच रहा हूँ तो मुझे अपनी वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है। भाई अपनी वेबसाइट आपकी अगर होगी और आपकी जो अपनी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसके जरिए आप उन लोगों को जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वहां पे अगर आपने वहां पे आपने बैनर लगा दिया कि जो Amazon से ये चीजें खरीदना चाहता है हम 10% ऑफ दे रहे हैं, 20% ऑफ दे रहे हैं, इतनी प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, या इस पे आप जाके तो आप अगर खरीदेंगे तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, आप अपनी
वेबसाइट की ट्रैफिक अमेजोन पे ले जा सकते हैं। अमेजोन इसको बड़ा पसंद करता है कि दूसरे सोर्सेज से ट्रैफिक आ रही है। आप कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, मुख्तलिफ ब्लॉगर्स होते हैं उनके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। जो मशहूर ब्लॉग्स ब्लॉगर्स हैं उनको कह सकते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे मेरी पोस्ट लिखें। जिस तरह प्रो पाकिस्तानी है तो प्रो पाकिस्तानी पे अगर आपकी पोस्ट लगती है तो बहुत सारी जो ट्रैफिक वहां पे लाखों लोग आते हैं वो अगर आपकी उस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ लोग जो है वो आपके अमेजोन पे भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स को आपने इस्तेमाल करना है, उस पर अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, उनको मैनेज करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, जो मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको आप हायर कर सकते हैं, उनको आप गिफ्ट भेज सकते हैं और उनको कहते हैं जी आप रिव्यू दे दें और वो फिर जब लोगों को रिकमेंडेशन करते हैं जी आप वहां से चीज खरीद रहे हैं तो उससे भी आपको बड़ा फायदा होता है। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो अगर आपने ईमेल लिस्ट बनाई हुई है, कस्टमर की लिस्ट है, तो उनको ईमेल भेजें कि जनाब हमने अमेजोन पे ये बेचना शुरू कर दिया है, अगर आप वहां से खरीदेंगे तो आपको 20% 30% हम रिफंड कर देंगे, ऑफ मिलेगा। तो ये तरीके जब इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक आपकी आपके स्टोर के ऊपर जाएगी, आपकी लिस्टिंग के ऊपर जाएगी। तो अमेजोन में रैंकिंग में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, वो है ट्रैफिक, सेल्स। अगर लोग खरीदना शुरू कर देंगे तो अमेजोन ये देखता है कि यार ये चीज बिक रही है तो वो टॉप पे उसको दिखा देगा। तो इसके लिए एक ही तरीकाकार है, ट्रैफिक जाएगी, लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को ऊपर रैंक कर देगा। उसके बाद है जी तीसरी स्टेज है पोस्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी। जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो आराम से नहीं बैठना, फिर आपने क्या करना है, गेट रिव्यूज, रिव्यूज हासिल करने। जिस बंदे ने आपकी प्रोडक्ट परचेज की उससे रिव्यूज लेने हैं। रीस्टॉक योर इन्वेंटरी, अपनी इन्वेंटरी को खत्म नहीं होने देना, इंतजार नहीं करना कि खत्म होगी तो फिर आपको पता है कि कितना टाइम लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं रीस्टॉक करने। क्राफ्ट एन आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सिर्फ अमेजोन पे नहीं रहना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए, पीपीसी रन करें, पे पर क्लिक कैंपेन रन करें, एडवर्टाइजिंग रन करें, फिर जाके जो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी। रिव्यूज हासिल करने का क्या तरीका है, रिव्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर रैंकिंग, आपको पता है रिव्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ट्रस्ट रिव्यूज, कस्टमर रिव्यूज पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अमेजोन के ऊपर फेक रिव्यूज नहीं होते। यूज अमेजोन प्रोग्राम फॉर रिव्यू, अमेजोन खुद भी सपोर्ट करता है, अमेजोन के दो प्रोग्राम है, एक अर्ली रिव्यू प्रोग्राम है और एक वाइन प्रोग्राम है। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में क्या होता है कि आप इस प्रोग्राम को साइन अप करते हैं, अमेजोन उसकी फीस चार्ज करेगा और आपको कहेगा कि जी ठीक है हम जो जो आपके बायर्स हैं यानी जो फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं अमेजोन पे, अमेजोन उनको कहते हैं जी हम आपको ये गिव अवे दे रहे, आप जो है इसको देखें और न्यूट्रल रिव्यू करें। तो अब उस पर जब रिव्यू आते हैं तो अमेजोन आपसे उसकी फीस चार्ज करता है। इसी तरह वाइन प्रोग्राम है जिसमें आपको पैकेज मिल जाता है जी के 4-5 रिव्यूज आपको मिल जाएंगे और डेफिनेटली जब आपके 4-5 रिव्यूज आ जाते हैं तो फिर आप इस काबिल भी होते हैं कि आप पीपीसी रन कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली रिव्यू अगर आपको नहीं मिलते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप एडवर्टाइजिंग भी कर सकें, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करेंगे भी तो नाकाम हो जाएगी। जिस प्रोडक्ट पे कोई रिव्यू ही नहीं है लोग कैसे खरीदेंगे। अदर वेज टू गेट रिव्यूज, और भी तरीके, जैसे मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग का कहा, ये भी एक तरीका कार है कि आप प्रॉक्सी मार्केटर को कॉन्टेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं जी आप हमें रिव्यूज ले दें और हम ये चीज प्रोडक्ट रिफंड कर देंगे, तो ये भी एक तरीका कार है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे यू नीड रिव्यूज, रिव्यूज आपके ट्रस्ट को बढ़ाएंगे। रीस्टॉक योर इन्वेंट्री, अपनी इन्वेंट्री के ऊपर काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि यार एक महीने में मेरी इतनी सेल्स हो रही है तो मेरे पास 2 महीने की इन्वेंट्री है, उसके एंड तक इंतजार नहीं करना। और ये कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि अचानक कैसे सेल्स बढ़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इन्वेंटरी खत्म ना हो, क्योंकि जब आपकी आउट ऑफ स्टॉक आप हो जाएंगे तो आपकी सारी रैंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेल डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए अपनी इन्वेंटरी पे आपने खासतौर पर ख्याल करना है। इसके सॉफ्टवेयर भी होते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर बाद ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो दूसरे जो कंपेटिटर होते हैं उनको रैंक करने का मौका मिलता है। आप महीने बाद आ या 2 महीने बाद आपकी इन्वेंटरी आई तो फिर आपने जीरो से स्टार्ट करना है। इसलिए कोशिश करनी है कि कभी भी आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो। एस्टिमेट योर सेल्स एंड प्लान योर इन्वेंटरी, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, इट विल हर्ट योर रैंकिंग एंड सेल्स। आखिरी लम्हे का इंतजार ना करें कि जब बिक जाएंगे फिर देखें, ऐसा नहीं करना।
क्राफ्ट एन आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है और उस पे ऊपर आपने रिलाय करना है। हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम, आपकी मार्केटिंग टीम होनी चाहिए कि जो मार्केट कर सके। ऐसा नहीं कि आप कहें जी मैं अकेला बंदा, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम होनी चाहिए या किसी एजेंसी को आप हायर करें। क्रिएट अ हाई वैल्यू एंड लॉयल्टी ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। सेल्स बेनिफिट नॉट फीचर्स, फीचर्स नहीं लोग बेनिफिट सर्च करते, बेनिफिट उनको सेल करें। अंडरस्टैंड डिफरेंट सेल्स चैनल, किस तरह से डिफरेंट सेल चैनल बिहेव करते हैं, उनपे किस तरह काम होता है उसके बारे में देखिए। टारगेट कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को आप टारगेट करें। फोकस ऑन कस्टमर नीड एंड वांट, जरूरत किस चीज की है कस्टमर को, उनकी जरूरत को सेटिस्फाइड कीजिए। उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तब आपको एक अच्छी जो है वो आप समझ लें कि स्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रन पीपीसी कैंपेन, पे पर क्लिक। अब आपको कुछ रिव्यूज आ गए, 4-5 रिव्यूज आ गए, आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग कराई या आपने वाइन प्रोग्राम यूज किया या अर्ली रिव्यू प्रोग्राम यूज किया, अब आपके पास रिव्यूज आ गए, अब आप पीपीसी रन करेंगे। पे पर क्लिक एड आपका चलेगा, यानी फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी और उस पर लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो लोग उस पर क्लिक करके आपकी चीजें बिक जाएंगी। जब आपको सेल्स आना शुरू हो गई तो नेचुरली अमेजोन आपको रैंक कर देता है। कल को अगर आप पीपीसी रोक भी देंगे तो आपकी पोजीशन वो बरकरार रहती है। यूज टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, आपने सबसे पहले ये देखना है कि किन कीवर्ड्स पे मैं पीपीसी रन करूं, वो आपने देखना है। टारगेट कंपेटिटर प्रोडक्ट्स टू रीच ब्रॉडर ऑडियंस, प्रोडक्ट के जो आपके कंपेटिटर हैं उनको देखना है कि वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। Use bidding strategy, आपने ये भी देखना है कि ऐसे इस तरह से बिड करें कि आपकी प्राइस दूसरों से कम होगी तो फिर आप ज्यादा चीजें आपकी जो है वो बिक सकेंगी और ज्यादा आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऊपर नजर आएगी, क्योंकि ये बिडिंग के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। इसको कंक्लूड करते हैं जी, फाइनल थॉट है मेक योर प्रोडक्ट लॉन्च इवेंटफुल। अपनी प्रोडक्ट लॉन्च को जितना इवेंटफुल बनाएंगे, जितना हाइप क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। ऑर्गेनाइज शिपिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट, आपको पता होना चाहिए शिपिंग कॉस्ट क्या है। आपने खुद जो है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग खुद मैनेज करनी है या आपके सप्लायर ने मैनेज करनी है, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसका आपको जो है वो ख्याल रखें। फिक्स योर प्रॉफिट मार्जिन, अपने प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करेंगे 25% से नीचे, 30% से नीचे मैंने नहीं आना, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आएंगी। प्रोडक्ट रिसर्च कंडक्ट कीजिए, लिस्टिंग बिल्ड कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, कीवर्ड्स को ट्रैक कीजिए और जो नहीं परफॉर्म कर रहे उसको एलिमिनेट कर दें और जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज कर दें। पीपीसी कैंपेन रन करें, इन्वेंट्री को रीस्टोर करें इन टाइम, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आइए और लोगों को इनकरेज कीजिए कि वो रिव्यूज दें। अगर ये सारे काम करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा, उसको एक लॉन्च पैड मिलेगा, अच्छे तरीके से लॉन्च होगी और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च, के प्रोडक्ट आप किस तरह से लॉन्च करेंगे और उसमें हमने लॉन्चिंग के डिफरेंट मॉडल को देखा, जिसमें हमने देखा कि अगर आप कम पैसों के साथ लॉन्च करना चाहते हैं तो आप कैलेंडर लॉन्च कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च कर सकते हैं, आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो कन्वेंशनल लॉन्च की तरफ नहीं आते क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये भी एक जो है वो तरीकाकार है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। नाउ इट्स द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे जी, हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो जी सलमान जी, सी सलमान सर कैसे हैं आप, ठीक है?
अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, जैसे कि हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके कंपटीटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं अमेज़न पे, तो इसका सर जी क्या हाल होगा कि जो मतलब कि हमारा जो पेज है वो पेज फर्स्ट पे जो है वो उसका कुछ हो जाए। और दूसरा मेरा सर जी ये है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं या जो कुछ भी है, क्या हम उसको भी मतलब कि यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो जाहिर सी बात है वो लगनी है उसके ऊपर, तो इसके बारे में प्लीज बता दीजिएगा। जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो आपने कहा कि हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में आप सेल करते हैं और यू आर प्लानिंग के आप अमेज़न पे उसको सेल करें, ऐसा ही है जी? जी सर, हम साथ जवाब दे रहे हैं। हाईली कंपेटिटिव प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट रिसर्च आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये करना है कि आपको पहला फॉर्मूला मैंने ये बताया कि आपने हाई कंपटीशन की तरफ नहीं जाना, आपने लो कंपटीशन की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने सर्जिकल आइटम ही और आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका कंपेटिटर एक चीज को $20 की बेच रहा है और आपको पता है मैं अगर इसको खुद मैन्युफैक्चर करूं और मैं अगर इसको $15 की भी बेचूं तो मुझे सारी फीसें निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक ही चीज में मैं कम्पीट कर सकता हूं, मैं प्राइस में कम्पीट कर सकता हूं। और ऑब्वियसली अमेज़न के ऊपर प्राइस बहुत बड़ा मैटर है, अगर आपकी प्राइस कम होगी तो अमेज़न आपको ऊपर शो करेगा। एक बंदा $15 का बेच रहा है और दूसरा सेलर $20 का बेच रहा है, तो रैंकिंग में $15 वाला ऊपर आएगा, एक फैक्टर है। लेकिन ये एक फैक्टर नहीं है, और भी बेशुमार फैक्टर्स हैं कि आप अच्छे तरीके से लॉन्च करें। और कीवर्ड्स की बात करें, आप कोई ऐसा कीवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट एक कीवर्ड पे नहीं, उस पे कई, आपने कोई ऐसा कीवर्ड देखना है जिस पे कॉम्पिटिशन कम हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे रैंक करवा लें। ये जरूरी नहीं होता कि एक प्रोडक्ट बहुत बिक रही है तो वो उसका हर कीवर्ड में उतना ही कॉम्पिटिशन, आप कोई ऐसा ढूंढेंगे जिसपे कॉम्पिटिशन कम होगा। एक तो आप ये काम करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपने प्राइस अगर फाइट कर सकते हैं तो प्राइस कम करें अपने कंपेटिटर से, ये आपको दो चीजों का एडवांटेज मिल जाएगा। इसी के बाद आपने पूछी है वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है उसका एक्चुअल कोई लिंक नहीं बनता अमेज़न के, अमेज़न के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी अपनी वेबसाइट हो, वो तो हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि जब हम अपना ब्रांड प्रूव करवाते हैं ना तो अमेज़न भी चेक करता है कि यार इस बंदे का कैलिबर क्या है। अब अगर हमारी अपनी वेबसाइट बनी होगी, सोशल मीडिया पेजेस हमारे होंगे, तो वो हमारे ब्रांड को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज बेशुमार दफा ब्रांड रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने पैरामीटर्स हैं, और अगर आपका ब्रांड एक्सेप्ट हो जाता है, एक तो फायदा ये है, दूसरी बात आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं अमेज़न के स्टोर के साथ, कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया उसको आपने कहा कि आप हमारे इस अमेज़न स्टोर पे जाके इतना परसेंट ऑफ ले सकते हैं, ये उस पर हमने ऑफ लगाया है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट का, आप वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट पाकिस्तान में भी बेचें, आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं और उसमें आप अमेज़न को भी साथ लिंक कर दें, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो आपकी वेबसाइट से ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे, और अगर आप दूसरी कंट्रीज में भी आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है तो वहां से भी आपकी ट्रैफिक जो है वो आएगी, और वहां से वो अमेज़न पे भी जाके चीजें परचेज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जो है वो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया सर। सर जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी सर। अच्छा, मैंने एक चीज पूछनी थी कि जो आपने हीलियम 10 और अलीबाबा पे सर जी वो काम करना सिखाना था,
वो क्या नेक्स्ट सेशन में आप करना सिखाएंगे या कुछ? नेक्स्ट सेशन पे हम उसका कर लेंगे. अब मैंने लॉन्चिंग आपको बता दी है, तो उसमें जो है वो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ टूल के ऊपर काम करना सिखाऊं. मैं आपको प्रैक्टिकली अलीबाबा पे अमेजोन के ऊपर किस तरह प्रोडक्ट सर्च करनी है, हीलियम को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे इसी. ओके हो गया सर. ओके हो गया. थैंक यू सर. जी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है जी तो फिर हम सेशन कंप्लीट करते हैं. अगर क्वेश्चन है तो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स. एक्सक्यूज मी सर. जी रिजवान साहब. सर अगर आप कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइड कर सकें कि हमें प्राइवेट लेबलिंग के लिए प्रोडक्ट किस तरह हंट करना है. देखिए इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, पर्सनल क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बता दिया है. और पर्सनल क्राइटेरिया ये है कि जितना ज्यादा आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा ट्रिक्स आपको आएंगे. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. ऐसा नहीं कि जो बंदा ज्यादा तजर्बाकार होता है उसको कोई खास सीक्रेट पता चल जाते हैं. एक आम बंदा भी जब मेहनत करता है तो ये मेहनत करने से आती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. तो आप जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, महीनों लग जाते हैं. फिर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, आपका मेंटोर उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर प्रोडक्ट मिलता है, और बाद का 6-6 महीने प्रोडक्ट हंट करने में लग जाते हैं. लेकिन जब एक दफा आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया, तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाती हैं. अमेजोन की जो बेस है वो प्रोडक्ट हंटिंग है, और प्रोडक्ट हंटिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया हुआ है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप चीजें सर्च करें. उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जैसे मैंने बताई पहले भी, मैंने बताया कि आप कीवर्ड्स के जरिए सर्च करें बजाय इसके प्रोडक्ट सर्च करने के. हीलियम के ऊपर मैं अगले लेक्चर में, टोटल कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको करके बताऊं, ताकि वो स्ट्रेटजी मैं एक्सप्लेन कर सकूं उसमें आपको बेहतर तरीके से. एंड सर एक और मेरा क्वेश्चन है. जी जी सर. पीएल नो डाउट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल है, बट इस पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत है हंटिंग के लिए. तो अगर हम FBA होलसेल या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो ज्यादा इसके मुकाबले सही नहीं है कि हम जल्दी से हंट भी कर सकते हैं और रिस्क कम है उसमें? देखिए रिजवान, बात ये है कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रॉफिट. ठीक है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप होलसेल कर रहे हैं, लेकिन होलसेल में आप एक प्रोडक्ट के लिए आप अकेले नहीं बेच रहे होते, उस पे एक लिस्टिंग के ऊपर 20-25 लोग बेच रहे होते हैं, उस पे कंपीट करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन नो डाउट उस पे इन्वेस्टमेंट भी कम है और आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन पीएल होलसेल करने के बाद भी पीएल में आएंगे तो क्या होगा, पीएल तो फिर भी आपके लिए नई चीज होगी. हमने ये कोर्स पीएल का इसलिए रखा कि अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं कि समटाइम लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग से शुरू करते हैं, ड्रॉप शिपिंग से वो जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज करते हैं, और दूसरी जो है वो फिर रिटेल आर्बिट्रेज करते हैं, फिर वो होलसेल की तरफ आते हैं. तो क्या होगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा थोड़ा 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 होता है. अगर आपके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, और अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं स्मॉल स्केल पे, तो देन यू कैन अर्न फ्रॉम होलसेल. होलसेल भी एक बहुत अच्छा मॉडल है, और जो जो ड्रॉप शिपिंग है उससे भी आप कमा सकते हैं, इवन एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप जो है वो कमा सकते हैं. लेकिन अल्टीमेट कोर्स हम आपको करा रहे हैं. हर बंदे का अल्टीमेट कोर्स क्या होता है, प्राइवेट लेबल की तरफ जाना. तो ये जब आपको प्राइवेट लेबल आ गया तो फिर बाकी चीजें आपके लिए करना आसान हो जाएंगी, वो चीजें मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि सबसे जो बड़ा टास्क है वो आपका जो है वो प्राइवेट लेबल है. तो हम हर चीज तो नहीं सिखा सकते थे, तो फिर हमने एक कोर्स, मेरी स्पेशलिटी है वो प्राइवेट लेबल में है, इसलिए मैं आपको प्राइवेट लेबल ही टीच कर सकता हूँ. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि होलसेल पे नहीं करें, होलसेल पे कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, रिस्क भी कम होता है, ब्रांड भी आपका अपना नहीं होता, आपको एडवर्टाइजिंग भी नहीं करनी पड़ती. लेकिन अगेन उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होता है. तो उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो उसमें फायदा भी आपका कम है,
प्राइवेट लेबल पैसा लगता है, लेकिन अगर प्राइवेट लेबल आपका चल जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि आप मिलियनर बन सकते हैं, लेकिन होलसेल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। अच्छा सर, ऐसा है कि आई एम एन अमेजोन सेलर, मैं इस टाइम ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं साथ साथ अपनी पीएल के लिए हंटिंग करता रहूं और साथ साथ ड्रॉप शिपिंग करता रहूं? देखिए, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप, अमेज़न को अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं ना, लेकिन आपको भी पता है कि ड्रॉप शिपिंग के जरिए पैसे कमाना कितना मुश्किल है। आप होलसेल करेंगे उसको भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली हर बंदे का जो अमेज़न सेलर होता है ना, उसका गोल या ड्रीम उसका क्या होता है, पीएल, क्योंकि पैसा पीएल, पैसा ड्रॉप शिपिंग में नहीं बनेगा, पैसा होलसेल में नहीं बनेगा, पैसा जो है वो पीएल में बनेगा। और जब आपने पैसा कमाना है ना, तो फिर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। और ड्रॉप शिपिंग करने से आप पीएल नहीं सीख सकते, होलसेल करने से आप पीएल नहीं सीख सकते। पीएल सीखेंगे तो एक इंडिपेंडेंट होगा, आप पॉइंट ऑफ व्यू ना चीजों को अंडरस्टैंड करें, प्रोडक्ट हंट करें, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए और अपने प्लान में रखें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो आप इसकी तरफ आइए। क्योंकि अगर आपने अमेजोन पे पैसा बनाना है तो पीएल के थ्रू बनेगा, बाकी चीजें पैसा नहीं बनाएंगी, वो गुजारा हो जाएगा, किचन में आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो वो पीएल के थ्रू। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? चले जी, हम सेशन को क्लोज करते हैं। वी हैव 3 मिनट्स, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट में हम जो टूल्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू।